बोलिए सच्चे दरबार की। ये हमारे अमित भाई अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी बालाजी जाना चाहता हूँ, बाबा हनुमान के दर्शन करना चाहता हूँ, थोड़ा किराया भरा दो। और एक भजन के द्वारा किस्त में बता बोलिए सच्चे दरबार की। और बाबा के चरण में हाजिरी भरना है कि बना तेरे नाम का योगी, बना तेरे नाम का योगी, साधना तेरी करता हूँ, एक बार तो दे दे कामना तेरी करता हूँ। बोलिए बालाजी भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। ओ बाबू भाड़ा दे तेरी, बोले भाई के ओ बाबू भाड़ा दे तेरी, मैं बालाजी जाऊं वर्ष तक एक हिंदी अध्यापक के रूप में पढ़ाने का कार्य किया।
सन 2008 में ये रिटायर हुए। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे इन्हीं से गाना बजाना सीखे थे। ये जो एक दो शब्द आप सेवा में मैंने गाए हैं इन्हीं से सीखे हैं और आपके सामने गुनगुनाए हैं। तो मैं जहाँ भी किसी जागे में जाता हूँ अपने माँ बाप के नाम से और आपके सामने इस भजन के बाद एक बहुत ही शानदार झांकी आपके सामने आ रही है। बोलिए सही दरबार की। तो जहां भी जाते हैं माँ बाप के नाम से गौ माता के नाम से एक एक भजन जरूर सुनाते हैं। तो माँ बाप के चरणों में जो सच्चा प्यार करते हैं एक बार दोनों हाथ ऊपर करके हाजिरी भरिए। कलयुग का समय है, आज बड़े बुजुर्गों की हालत बहुत ही नाजुक है। कोई उनको अनाथ आश्रम में छोड़ के आता है, कोई वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है, कोई सड़कों पर थके खाने के लिए छोड़ देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। आज महामारी की पावन ज्योति में कसम खा के कहना है कि आज के बाद हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। तो माँ बाप के नाम से जोर से